सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। मोदी सरकार में विस्तार के बाद मंत्री परिषद की बैठक हुई। इससे पहले कैबिनेट मीटिंग में कोरोना से निपटने के लिए नए पैकेज पर मोहर लगी। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए सरकार ने 23,000 करोड़ के इमरजेंसी कोविड राहत पैकेज का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने इस फैसले पर ट्वीट करके कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एक नए आर्थिक पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस स्थिति को हम भविष्य में कैसे निपटे उसके लिए ये पैकेज टू लाया गया है। 23,000 करोड़ रुपीज का एक पैकेज है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी बताया कि देश में फिलहाल 4 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन बेड है। 2,44,000 नए बेड बनाने का प्रावधान है। 20,000 नए ICU बेड तैयार किए जाएंगे। देश में 736 जिलों में बच्चों के लिए केयर यूनिट बनाने का भी प्रावधान है। मोदी सरकार में विस्तार के बाद बैठक में किसानों के कल्याण को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने बैठक के बाद ट्वीट किया, आज कैबिनेट की बैठक में कृषि और किसानों के कल्याण को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंडियों को सशक्त करने के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग के साथ साथ लोन पर ब्याज में छूट की व्यवस्था भी की गई है। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं से आंदोलन खत्म करने की अपील की। कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि शर्तों के साथ बातचीत की बात सही नहीं है। हम बातचीत कर लेंगे, कंडीशनल बातचीत नहीं करेंगे कि सरकार कंडीशन रखेगी और हम बात करेंगे, उसमें तो बात नहीं होगी। नए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद कहा कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है और वो उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। प्रमोशन में कैबिनेट मंत्री बने किरण रिजिजू ने देश के कानून मंत्री का पदभार संभाला। दिल लगा के काम करना है और प्रधानमंत्री जी का भरोसा पे खरा उतरना है। नारायण राणे ने भी MSME विभाग का कार्यभार संभालने के बाद कहा कि सबने बधाई दी, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोई बधाई नहीं दी। ना दिल उनका बड़ा नहीं है, मगर उसने बधाई नहीं दी। मैं समझता हूँ पूरे महाराष्ट्र में सभी जिलों से मेरे को बधाई मिली। इसके अलावा कई सीनियर और नए मंत्रियों ने भी अपने अपने मंत्रालयों का कार्यभार संभाल लिया। इनमें पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, इस्पात मंत्री RCP सिंह, श्रम और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल शामिल हैं। मोदी सरकार के कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने इसे राजनीतिक नौटंकी बताया। श्री नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो सरकार नहीं चला सकते, ये जो सेवानिवृत्त बाबूशाही है यही सरकार चला सकती है। सरकार में जो टैलेंट और बेंच स्ट्रेंथ की कमी है, जो पहले भी थी और अभी है, वो पूरी तरह से उजागर हुई है। BSP अध्यक्ष मायावती ने कहा कि विस्तार से गलत नीतियों पर पर्दा नहीं डल सकता है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में लंबे चौड़े विस्तार और फेरबदल से सरकार की गलत नीतियों, कामों और कमियों पर पर्दा नहीं डल सकता। जनता और देश की बदहाल स्थिति सही वक्त पर परिवर्तन की राह देख रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल विस्तार को सरकार की विफलता बताया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में मंत्री या मंत्रालय बदलने से BJP सरकार ने खुद स्वीकार कर लिया है कि वो हर क्षेत्र में नाकाम रही। जरूरत केवल डिब्बे नहीं पूरी ट्रेन को बदलने की है। BJP ने सरकार चलाने का नैतिक अधिकार खो दिया है। देश प्रदेश में बदलाव की लहर है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान अलग अलग जिलों में हिंसा हुई। सीतापुर जिले में नामांकन के दौरान फायरिंग हुई। सीतापुर में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों के अपहरण की भी कोशिश की गई। संभल में बेकाबू भीड़ जबरदस्ती नामांकन केंद्र में घुस गई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। UP के मैनपुरी, बहराइच, गोरखपुर, कन्नौज, बुलंदशहर और मेरठ समेत 14 जिलों में हंगामा हुआ। जो घटनाएं हुई हैं वो मतदान स्थल से दूर हुई है। अलग अलग जिलों में हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी ने BJP को जिम्मेदार ठहराया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था को BJP ने बंधक बना लिया है।
आज जो यूपी में हुआ वो लोकतंत्र का मजाक है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी हिंसा को लेकर ट्वीट किया, पीएम साहब और सीएम साहब इसके लिए भी बधाई दीजिए कि यूपी में आपके कार्यकर्ताओं ने कितनी जगह बमबाजी, गोलीबारी और पत्थरबाजी की, कितने लोगों का पर्चा लूटा, कितने पत्रकारों को पीटा, कितनी जगह महिलाओं से बदतमीजी की। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने कहा कि जो कोई भी कानून व्यवस्था को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बार के जिला पंचायत में जिस तरह की पराजय हुई है, अब ब्लॉक मुखी के चुनाव में हताश निराश समाजवादी पार्टी के नेता जगह जगह उपद्रव करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM मिलकर 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आखिर से बीजेपी क्यों परेशान है, सपा क्यों परेशान है, बसपा क्यों परेशान है, कांग्रेस क्यों परेशान है? आज के तारीख में हमारे पास 100 में 65% वोट हमारा है और 35 में भी बंटवारा है। हम इस सर्कस के जोकर नहीं है, हम रिंग मास्टर बनकर तुमको हमारे कामों पर नचाएंगे इंशाल्लाह। इस गठबंधन पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने कहा कि टुकड़े गैंग के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। सपने अच्छे देखिए, अब भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ में खड़े होने वाले लोगों के सपने पूरे होने वाले देश में और उत्तर प्रदेश में नहीं है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.